नमस्कार। संसार क्रांति जैसे हर बार आपसे कमिटमेंट करके चलती है कि हम आपको किसी ना किसी शख्सियत से रूबरू कराते रहेंगे। उसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं सरोज बेनीवाल। जी हाँ, वही सरोज बेनीवाल जो हल्का गन्नौर से वो इनेलो की हल्का प्रधान है। जी हाँ, शेखुपुरा गांव से वो बिलोंग करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं सरोज बेनीवाल जी से। मैम, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार जी। जैसे कि आप आज हमारे खास कार्यक्रम में आए हैं, तो हम जानना चाहेंगे, हाल ही में जैसे अभी भारत बंद बुलाया है इनेलो ने, और इनेलो के द्वारा वो काफ़ी सफल बताया जा रहा है, तो हम जानना चाहेंगे आपने भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाई और आपने बंद को कितना सफल कराया। जी हाँ, कल पूरा गन्नौर बंद था। आप वहाँ जाके तहकीकात भी कर सकते हैं। मेरे व्यापारी भाइयों ने हमारी मदद की, प्यार प्रेम से पूरा गन्नौर बंद था। कहीं इसमें जोर जबरदस्ती तो नहीं कही गई इनेलो पार्टी के द्वारा? जी नहीं, हमने हाथ जोड़ करके अपने भाइयों से विनती की और उन्होंने हमारी बात मान ली। जी, अब सरोज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका ये बिल्कुल एक पारिवारिक पार्टी है आपकी, एक आपका परिवार पिछले काफ़ी लंबे अरसे से पार्टी के साथ जुड़ा रहा है और आप भी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या मैं हमारे को बहुत अच्छा लगता है। हमारी पार्टी हरियाली का प्रतीक है, तो हमारे को बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि बात की जाए, आपके मायके में भी इनेलो का वर्चस्व रहा है, आपके ससुराल में भी, तो इस तरह से आप राजनीति में आपका आना हो गया, आपकी पृष्ठभूमि राजनीति वाली थी, तो क्या आपको भी संघर्ष करना पड़ा राजनीति में बने रहने के लिए? जी, संघर्ष तो करना ही पड़ता है किसी काम को करने के लिए, लेकिन पहले से ही जुड़े हुए हैं मेरे मायके वाले भी, ससुराल वाले भी, और मेरे हस्बैंड शुरू से ही इनेलो के साथ हैं, इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में मैं सक्रिय हूं और आज मैं हल्का प्रधान दोबारा से बनाई गई। तो आप हल्का प्रधान दो बार बने, तो एक महिला के तौर पे, जैसे कि हमारे ग्रामीण एरियो में औरतों का बाहर जाना ज़्यादा पसंद किया नहीं जाता, तो क्या आपके सामने भी इस तरह की कोई दिक्कत परिवार की तरफ से या बाहर वालों की तरफ से कभी आई? ये तकलीफें तो देखो जी आती रहती हैं, कोई भी कुछ भी कह देता है, लेकिन इसमें अहम भूमिका मेरे हस्बैंड की है जो मेरे साथ खड़े हैं, इसलिए हम किसी दूसरे से कोई वो नहीं, मतलब नहीं रखते ज़्यादा। तो कहने का मतलब है कि आप अपने पति को अपना सबसे बड़ा सपोर्टर मानती हैं? जी हाँ, मेरा पति मेरा सबसे बड़ा सपोर्टर है। जी, अगर बात की जाए सरोज जी आपके हलके में, तो अभी तक आप हलके में एक पार्टी कार्यकर्ता के तौर पे सक्रिय है या आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे? सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे भी हूँ, और जैसे पार्टी में अभी मैं हल्का प्रधान बनाई गई हूँ, तो एक मेरी पहचान हो गई है हमारी पार्टी में। पहले मेरे हस्बैंड के नाम से भी हमारे को, मतलब हम दोनों हैं जी सारे। जी, हाँ बिल्कुल जी। अगर बात की जाए अभी हाल फिलहाल, जैसे इनेलो का ग्राफ धीरे नीचे गिरता जा रहा है, तो अभी जैसे उनके दुष्यंत चौटाला जी हैं, अभय चौटाला जी हैं, उनकी आपसी झगड़ा भी सामने आया है, तो क्या आपको नहीं लगता इससे पार्टी को कहीं ना कहीं कमजोर हुई है पार्टी? जी नहीं तो कोई झगड़ा हुआ है, ये वैसे ही एक दो लोग ऐसे होते हैं जो वैसे झूठी बातें उछाल देते हैं, इनमें कोई झगड़ा नहीं है, हमारी पार्टी एकजुट है और अब की बार हमारी सरकार पक्की है। अगर बात की जाए ओम प्रकाश चौटाला जी की, क्या आपको उम्मीद है वो इलेक्शनों से पहले बाहर आ जाएंगे? जी हाँ, उम्मीद है हमारे को इलेक्शन से पहले ओम प्रकाश चौटाला जी बाहर होंगे। और वो इलेक्शन लड़ के मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे? जी हम तो चाहेंगे कि मुख्यमंत्री वो बने, अब और ज़्यादा तो हमारे हाईकमान को पता हो। जैसे कि बात की जाए आपके हलके की, आपका हलका, आप ने जितने भी यहाँ पे सामाजिक कार्य किए, एक आपकी पहचान बनी है, तो उसके बावजूद अगर आपको कल को टिकट मिल जाती है, तो आप कौन से ऐसे कार्य हैं, कौन से ऐसे सेवा कार्य हैं जो आप करना चाहेंगे अपने हलके के लिए? जी मैं तो एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, लेकिन हाईकमान मेरे को टिकट अगर देता है तो मैं अपने काम पूरे करूँगी। भाई गरीब, सबसे पहले तो मैं 36 बिरादरी को एकजुट होकर इकट्ठा करने का काम करूँगी। गरीब हैं जो भाई अपनी लड़की की शादी नहीं कर सकते, उनकी मदद करेंगे और हर घर से यही सोचेंगे भाई सबका एक साथ
सामाजिक पारिवारिक सभी हर एक काम एकजुट होकर करें। जी जी जी, तो क्या आप जो तैयारियां कर रहे हैं, जो आप सक्रिय हैं इन दिनों, जैसे आपने भारत बंद में भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया, हमने आपकी फुटेज देखी हैं, और उसके अलावा भी आप सामाजिक कामों में भी अपना बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं, तो क्या आप टिकट के लिए यह सब भाग दौड़ कर रही हैं? जी नहीं, टिकट के लिए नहीं, टिकट तो क्या पता किसको मिलेगी, जिसको मिलेगी हम पार्टी से मिले हुए हैं और हमें तो अच्छा लगता है पार्टी में काम करने के लिए। जैसे अभी 25 सितंबर को हमारे ताऊ देवीलाल जी का जन्मदिन अब की बार गोवाना में मना रहे हैं, तो जैसे भी आई कमान हम, आज ही हमारी मीटिंग है शाम को भाई अभैसिक चौटाला के साथ, जैसे भी हमारे को ऑर्डर मिलेंगे हम उसमें खरे उतरेंगे, 19-21 करने का काम करेंगे, हमें पीछे हटने वालों में से नहीं। जी, अगर बात की जाए एक पार्टी विशेष के द्वारा कुछ जो जाती है उन पर आरोप लगाए जाते हैं कि वो हरियाणा में माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, उसके बारे आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो देखो हमारे आगे तो कुछ नहीं है, हम तो सभी को अपना एक जैसा मानते हैं, हमारे में जातिवाद नहीं। बात की जाती है 35 बिरादरी की, तो क्या आप उसमें विश्वास करते हैं या 36 बिरादरी में? 36 बिरादरी में करते हैं, हम सभी भाई एक जैसे एक समान है, बिरादरी में कोई फर्क नहीं है, हम एकजुट हैं। जी, तो अभी अगर बात की जाए विचारों की, अगर आप अपने इनेलो पार्टी के जो आपके इनेलो पार्टी के जो विचार हैं उनसे आप कितना सहमत दिखते हैं आज के परिवेश में? आज के परिवेश में मेरी नज़र में इनेलो पार्टी कोई गलत काम नहीं कर रही है, सबके लिए बराबर काम है। अगर अब की बार पक्की हमारी सरकार होगी और ये खट्टर की खटारा सरकार से सब दुखी हैं, उड्डा सरकार कांग्रेस सरकार भी सब ने देख ली है, उड्डा ने सब परेशान कर रखे थे और अब इसको देख रहे हैं खट्टर को, किसी का कोई काम नहीं हो रहा है और जातिवाद इन्हीं ने मतलब झगड़ा फैला दिया है भाई, ये जाति ऐसे है, जाट है, वो सब बराबर है हमारी नज़र में। हमारी एक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ऐसी है जिसमें 36 बिरादरी का एक सम्मान से देखा जाता है, और इन्होंने तो महिलाओं के साथ 6 महीने से लगकर 60 साल की बुजुर्ग महिला भी आज सुरक्षित नहीं है, एक नारा लगा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें कौन सुरक्षित है? जब बेटी सुरक्षित ही नहीं है तो उसको पढ़ाएंगे क्या? ये नारा इन्होंने लगा तो दिया लेकिन इसमें खरे नहीं उतरे हैं। तो अब हम आपसे कहेंगे संसार क्रांति के माध्यम से आप अपने हलके के वोटर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं प्रदेश को यही संदेश देना चाहती हूँ, मेरी सभी से हाथ जोड़कर ये विनती है कि हर सरकार देख ली है, सब दुखी हैं इस सरकार से, अब की बार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को लाए सत्ता में, मुख्यमंत्री हमारे ओम प्रकाश चौटाला जी होंगे, सबके एक नज़र से काम होंगे, कोई दुखी नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद सरोज जी संसार क्रांति से बात करने के लिए। ठीक है जी, मैं सभी को नमस्कार करती हूँ, कोई गलत हो तो माफ़ कर दें। जी, ये थे सरोज बेनीवाल जो बिल्कुल अपने चिर परिचित अंदाज से बात करते हैं, वो ठेठ बिल्कुल एक जो हरियाणवी एक हरियाणवी महिला होती है उनकी तरह से बात करते हैं, उनमें लाग लपेट बिल्कुल भी नहीं है, वो जैसे अपनी आम जीवन में है वो वैसे ही कैमरे के ऊपर है, और उनका बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहना है कि जो ये नकारा सरकार है इसको बदलने के लिए जनता अपने वोट का हक का इस्तेमाल करें और वो इंडियन नेशनल लोक दल को भारी मतों से विजय बनाए ताकि प्रदेश का विकास हो सके और यहाँ की महिलाएं जो असुरक्षित महसूस करती हैं वो भी सुरक्षित हो जाएं। इसके लिए वो चाहते हैं कि चौटाला सरकार यानी इनेलो सरकार को फिर से सत्ता में लाया जाए। संसार क्रांति के लिए सफीदों से मैं यशपाल कंचन।